एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहां चलते थे जहां हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन देते कार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया था। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके लिए हमें डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराई से जानना होगा। तो दोस्तों, हमें इसके लिए 7 करोड़ साल पीछे जाना होगा और ये भी जानना होगा कैसे हुआ था डायनासोर का अंत और डायनासोर के अंत होने के बाद धरती पर जीवन कैसा था। इसके लिए दोस्तों, हमें वीडियो में लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली ऐसी नई इंटरेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज से करीब 7 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा, बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजातियां धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था और वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने शुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह शुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नीत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीबन 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में एस्टेरॉयड बदल गया। इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 सेल्सियस की डिग्री ऊर्जा वाला एक भयानक आग के गोले के साथ विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 परमाणु बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीबन 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के मार्ग विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए।
विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से डायनासोर अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती पर 90% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी। जो 10% जीव बचे थे उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रहे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मेमल्स जैसी प्रजातियां बच गई थी, लेकिन मेमल्स क्या थे और कैसे बच गए, मानव कैसे धरती पर आए, तो चलिए दोस्तों ये भी जान लेते हैं। मेमल्स क्या थे और कैसे बच गए। मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से तो बचा लिया, अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजातियां की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव ऐसे भी थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण का कारण बना। करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोब कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे। इन्हीं में से दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। इसके करोड़ों साल बाद कई पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां अस्तित्व में आई और आदि मानव का विकास होता गया। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि कोमोडो ड्रैगन, छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ ये कहीं न कहीं डायनासोर से मिलती जुलती प्रजातियां हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली ऐसी नई इंटरेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।